but this is Sethan. In this vlog, we will see Sethan, the igloo village of India. Undoubtedly, the best experience you can have when in Manali. Day 2 of Manali. I'm sorry, मेरी आवाज चली गई है ठंडा गरम करने के चक्कर में. But what a bright sunny day. बारिश हो गई थी कल शाम को और फिर अभी बिल्कुल खुल चुका है. पहाड़ों का ऐसे ही होता है, वेदर बिल्कुल फटाफट चेंज हो जाता है. सो मनाली में मैंने मेजर चीज़ें देख ली हैं, जैसे जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मंदिर हैं, मनु टेम्पल देख लिया, हिडिम्बा देख लिया. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे पास मनाली आखिरी दिन है, सेकेंड डे एंड द लास्ट डे एट मनाली. टुमारो आई विल बी गोइंग टू सिसु. सो मैं सोच रही हूँ कि आसपास सेथन है, विच इज़ लाइक 14-15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ओल्ड मनाली, जहाँ पर मैं हूँ होटल स्मगलर में. और उसके आगे है एक नगर कैसल करके बहुत अच्छी जगह है, जो कि कुल्लू किंग्स की जगह है. सो मैं देखती हूँ मैं क्या एक्सप्लोर आज कर सकती हूँ और कैसे इंजॉय कर सकती हूँ आज के दिन को, जब तक बारिश ना हो या फिर मौसम चेंज ना हो. सो आई एम गोना लिव इट एंड आई एम गोना शो यू मैं कहाँ जाती हूँ अभी, जहाँ मंजिल ले जाए. मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है. लेट्स हेड आउट एंड लेट्स सी हम आज क्या एक्सप्लोर कर सकते. कहाँ से आप? मैं तो यहीं से हूँ, मनाली से, यहाँ का इंचार्ज. से कैसा व्यू है ऊपर सेथन में? ऊपर तो बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है, काफी अच्छा है. आपने हमता पास किया हुआ है? हाँ जी, मैं गया. कैसा है, टफ है, इजी है? नहीं, इजी है, थोड़ा रोड थोड़ा सा ऑफ रोड है और ऊपर पहुँच के तो बहुत अल्टीमेट है. बट सेथन इज मस्ट विजिट प्लेस, राइट? हाँ जी, बिल्कुल. थैंक यू. ओके, वेलकम. तो हम सेथन के रास्ते पे हैं और यहाँ पे लिखा है, देखिए, कर्व नंबर 18. देर आर लॉट्स ऑफ कर्व्स, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है. हम लोग बहुत ऊँचे आ गए एंड इस तरीके का यहाँ पे ये रास्ता है और हमको और अभी ऊपर तक जाना है. सो ये ऐसा है सिस्टम और ये इस तरीके का परमिट आपको यहाँ से नीचे से लेना पड़ता है. सारी चीज़ें नोट डाउन होती है और उसके बाद आप इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं. और अभी बहुत ज़्यादा ऊपर हमको जाना है, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो सेथन एक्सेसिबल है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है अभी तक. तो मुझे लग रहा है इट इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन. वेल, आई एम इन द बिटवीन ऑफ रीचिंग सेथन और यहाँ पे अपेरेंटली अगर कोई घूम जाए या आपके ग्रुप में आगे पीछे हो जाए तो आप उसे कैसे बताओगे आप कहाँ तक पहुँचे हो? तो यू जस्ट हैव टू से मैं कर्व नंबर 24 पे हूँ, 25 पे हूँ, 50 पे हूँ. सो यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स हैं. मैं अभी एक्चुअली कर्व नंबर 25 तक आई हूँ और अ लॉन्ग वे टू गो. 5 किलोमीटर और अभी बचा हुआ है, बट बहुत खूबसूरत वाइब है, बहुत अच्छा लग रहा है. सो सेथन इज़ वेरी अनएक्सप्लोर्ड. वॉट आई कैन सी इज़ ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं, बट इट इज़ ऑफिशियली द इग्लू विलेज ऑफ इंडिया. अगर आप
आपको पता हो और आप इग्लूज़ के बारे में जानते हो, तो सेथन में जब ठंड का मौसम होता है तब सेथन में इग्लूज़ बनाए जाते हैं और बाय समर्स वो ख़त्म भी हो जाते हैं, बट एक्चुअली अगर मौका मिले तो डू ट्राई इग्लूज़ इन सेथन। और ग्लैम्पिंग को भी आपने सुना होगा, एक प्रॉपर्टी है जहाँ नहीं मिलती है प्रॉपरली, आपको वहाँ पे स्टे नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लाइन लगती है। सो यहाँ पे जो सेथन में ना ऐसा स्टार गेजिंग और ये ग्लैम्पिको वाली जो चीज़ है, इग्लूज़ वाली, ये सब बहुत फेमस है। सो आई एम गोना शो यू समथिंग ऑफ दैट जितना मुझसे हो पाएगा, बट द वे टुवर्ड्स गोइंग अप इज़ फिनोमिनल। मैं यहाँ पे एक छोटे से कैफ़े पे रुक गई हूँ, आपको पीछे दिख ही रहा होगा, और इस कैफ़े का नाम है कैजुअल मॉम्स, और इसमें मैं अभी कुछ खाऊंगी, थोड़ा कुछ पीऊंगी, बिकॉज एग्जॉस्टिंग भी हो रहा है, गर्मी लगने लग गई है, अभी धूप निकली हुई है, शाम के टाइम तक ठंड लगने लग जाती है। सो आई एम गोना चेक आउट फ्यू थिंग्स हियर एंड देन आई एम गोना गो बैक ऑन माई रूट टू सेथन। हाय, सो दिस वॉट यू कैन सी राइट नाउ, दिस इज ग्लैम्पिको जो कि इग्लू स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। यहाँ पे सेथन में नई प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी हॉट प्रॉपर्टीज़ हैं, सो इग्लू लाइक स्ट्रक्चर हैं, बट ये 12 ही महीने आपके लिए, आपको यू कैन गेट स्टे हियर। और जब ये सर्द का मौसम होता होगा विंटर्स का, तब ये पूरी आप जो जगह देख रहे हैं ना, इट इज़ लाइक कवर्ड विद स्नो, इवन द ग्रीन माउंटेन्स देयर आर कवर्ड विद स्नो। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, हेलो, कम हियर, हाय, हाय शैडो। वैसे शैडो जैसे और भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त, अभी उनके नाम मुझे नहीं पता, पर सी देयर इज दिस वन शैडो एंड देन उसके बाद वन मोर एंड देन देयर आल्सो। ओह हाय, देखिए मुझे पहाड़ों में क्या मिला, स्केलेटन। आई डोंट नो किस जानवर का है बट स्कैरी है। और ये देखिए, सेथन विलेज क्रॉस कर दिया है और आगे 3 किलोमीटर तक जाके व्यू देखेंगे। यहाँ पे हमता पास जो होता है उसका ये बेस कैंप भी है सेथन से आगे, तो ये पास वाले लोग हैं जो पास को यू नो कवर करेंगे इन 2-3 डेज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पासेस एंड ट्रैक्स ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए फेमस है कि यहाँ मौसम पल में बदलता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल मौसम था, धूप थी, अब यहाँ बारिश होने लग गई है। मैं एक्चुअली सेथन में हूँ जो कि 16-17 किलोमीटर्स आगे है ओल्ड मनाली के, और पूरा इंक्लाइन है और बहुत ही कमाल की जगह है। सेथन से 2.5 किलोमीटर आगे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दिखेगा और वहीं पे वही हमता पास अगर आप करते हैं तो वो बेस कैंप है सेथन का, और वहीं से ट्रैक शुरू होता है। बहुत ही कमाल का ट्रैक भी है, मैंने आपको दिखाया कैसे लोग खड़े थे। सो मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ, बारिश होने लग गई है, मैं वापस जाती हूँ ओल्ड मनाली की तरफ, तो मुझे पूरा ये जो मैं चढ़ के आई हूँ, आई डोंट नो, आई थिंक 40-50 कर्व्स थे, ये सब चढ़ के मैं यहाँ तक आई हूँ सेथन विलेज जो छोटी सी है बट कमाल के व्यूज़ हैं उसके। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे तो आपको वहाँ व्यूज़ मिलेंगे, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं हिच हाइकिंग करके आई हूँ तो मैं फटाफट अब नीचे जाती हूँ और ओल्ड मनाली में इंजॉय मारती हूँ।
पहाड़ों में मैगी और पकौड़े क्या लगते हैं? सेतन घूमने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे मनाली का एकदम शांत साइड दिखा जो थोड़ा दूर है मनाली से अभी. सो आई लव्ड इट, मस्ट विजिट प्लेस. मुझे नगर भी जाना था, दैट इज़ कुल्लू किंग्स का पूरी वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, आप नगर कैसल में रुक भी सकते हैं. बट अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि मैं इन सबको इन्जॉय कर रही हूँ. और सही कहते हैं, ज़्यादा जगह जाने से अच्छा है कम जगह जाओ और उस जगह पे जाओ हूँ आप उस पूरे को इन्जॉय करो, है ना बनी? सो अभी टाइम है मेरा जाने का, बट आई थिंक व्हेन इन मनाली डू गो टू सम डिफरेंट प्लेसेस जो थोड़ी कम क्राउडेड है और जहाँ पे आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो फुलफिल हो जाता है. सो नाउ आई एम गोना एंजॉय माय यम्मी यम्मी पकौड़ास.